जाने क्या छोटी भी चीज इतनी तेज लगती है ना आंखों में, क्या बताऊं आपको भाई। ये ट्रक वालों की भी हिम्मत है यार, बड़ा लंबा चलते हैं यार, चलते ही रहते हैं। तो ये कौन सा मंजन है? बिल्कुल मंजन है। अरे तेरी, बच गए। आगे एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया ऐसा लगता है भाई। पूरी की पूरी गोभी खुद गई भाई, सब्जी जा रही थी। वीर जी स्प्लेंडर को राइड कर रहे हो? वीर जी कितना खतरनाक एक्सीडेंट है भाई, बचा ही नहीं होगा बंदा। हम जा रहे बाईपास से। क्या कर रहा है यार, रोड पे पिकनिक मनाएगा क्या? मस्त नाव चल रही है, दिख रहा है तुम लोगों को? कोयले वाली ट्रेन, इलेक्ट्रिक नहीं है। ओए होए ये क्या हुआ, एक्सीडेंट देखो यार। एक रैप खींचे, बहुत देर हो गई नहीं खींचा। आवाज मजेदार लगी, डरा दिया। अरे भैया इसे कहते हैं 16 टायर का ट्रक। आवाज देखो टायर होगी, सुपर बाइक की भी क्या आएगी। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, 300-350 किलोमीटर दूर हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में जो है। यह बैग लगाया हुआ है, ये मैग्नेट होता है इसमें, तो ये मैग्नेट से इधर चिपक जाता है, तो ये अपना एक बैग है, इसके अंदर सारा का सारा सामान है। बाइक की हालत हो गई थी बहुत गंदी, तो मैंने सोचा अगर धो लूंगा तो फिर वैसी गंदी होनी है। जा रहे अपन, इधर मैं रुक गया था फ्लाईओवर में, मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। भाई साहब बाथरूम करने के लिए रुके क्या इधर? भाई यार ऐसा तो मत करो। ओ भैंस की हां, तो आगे के ना अपने ब्रेक शू खत्म हो गए थे, तो अपन ने ब्रेक शू चेंज कराए और पीछे के ब्रेक शू तो मैंने अभी डलवाए थे। तो चलो गाइस अब बात करेंगे हम बाइक में आपके साथ। ये आ गया लाजपत नगर, और ऊपर से जा रही है मेट्रो, और नीचे से हम, और ये स्कूल के बच्चे। फिर आगे मिला पेट्रोल पंप, जहाँ पर हमने भराया पेट्रोल करीब करीब 1300-1350 रुपए का। कुछ पेट्रोल पहले से ही टंकी में था तो बात बन गई। फिर आगे जाके मुझे मिले कुछ परिंदे, और इन परिंदे को मैं जब भी देखता हूँ तब इनके लिए मैं दाना डालता हूँ, तो मैं रुक गया और डालने लगे दाना। देखो मैंने तुम्हें लास्ट ब्लॉग में बोला था अगले दिन मैं निकल जाऊंगा दिल्ली से बाहर, तो ये देखो मैं आ चुका हूँ दिल्ली से बाहर, और इस वक्त हूँ मैं गाजियाबाद में। तो भाई देखो मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, बिकॉज अपन हल्द्वानी के ही है, तो अप एंड डाउन करते रहते हैं, अच्छी जगह अच्छे लोग, मस्त एकदम झकास। हमने अपना बैग लगा रखा आगे, इसमें सारा सामान है, मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है पूरे के पूरे टैंक में, और चल पड़े हैं मस्त एकदम अपनी जगह। मस्त एकदम 100 की स्पीड से ऊपर चल रही है बाइक, 110, 120, that's it। तो भैया ये आ गया गाजियाबाद का सबसे पहला टोल, और बाइक वालों को इस चीज का तो फायदा है कि भाई टोल नहीं लगेगा, ये हमारे लिए बढ़िया हो गया भाई। किनारे से निकल लो एकदम मस्त तरीके से, ये देखो बड़ी मेहनत करते हैं यार पानी बेचने वाले। ये देखो रोडे बहुत जानदार बना दी है, देख रहे हो कितनी चौड़ी रोड है। पहले ना यही रोड इतनी बकवास होती थी, और इतना टाइम लगता था हल्द्वानी जाने में हमें, मतलब वही चीज़ है, मतलब 3-4 घंटे सीधे सीधे कम हो गए गाजियाबाद के, अदरवाइज़ गाजियाबाद में बहुत जाम रहता था यार, पता ही नहीं चल रहा वैसे 100 पे चल रही है। हापुड़ 7 किलोमीटर है यहाँ से, रोडवेज बड़ी रंग बिरंगी लग रही है यार मस्त एकदम। तो रुद्रपुर यहाँ से 190 है, मतलब अभी चलना है, काफ़ी अच्छा खासा चलना है, अच्छा लगता है हरा भरा देख के ना, दिल्ली में दिखता ही नहीं है कुछ। अभी 120 चल रही है पूरी, हवा बहुत लगती है भाई, देखो पूरा खाली है ना, बहुत हवा लग रही है। ओए होए ये क्या हुआ, एक्सीडेंट देखो यार, कितना खतरनाक एक्सीडेंट है भाई, बचा ही नहीं होगा बंदा। तो ये देखो यार ये मोड़े वगैरह टेबल वगैरह बिखरी है, बड़ी सुंदर लगती है देखने में। विवा ढाबा 6 किलोमीटर मुरादाबाद यहाँ से आ रहा है करीब करीब 82। और वाह यार देखो ट्रेन दिख रही है आपको, क्या लग रही है रेड एंड वाइट पे, और सामने सिवा ढाबा, तो यहाँ रुकेंगे। भीड़ रहती है यार सुबह शाम, दिन के करीब करीब मेरे ख्याल से 11-12 बज गए ना, फिर भी गाड़ियाँ खड़ी है अच्छी खासी। चलो इधर ही बाइक रोक लेते हैं, इधर की चाय बड़ी मस्त होती है, खाना भी बहुत मस्त है, थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। फिर इसके बाद पहुँचेंगे मुरादाबाद, बाल देखो कैसे हो गए, हेलमेट के अंदर ना मैंने वो कपड़ा नहीं पहना जिससे कि बाल ठीक रहे, बाल ऐसे उलझ जाते हैं हेलमेट में। चलो मस्त एक पराठा पनीर का,
और एक चाय कुल्लड़ की, एक चाय नहीं दो चाय पी गया मैं। इस होटल की ना चाय बड़ी लाजवाब है। तो भाई ये आ गया गढ़गंगा धार्मिक स्थल। ओए होए हाँ यार रेलिंग लगा दी पूरी, मस्त नाव चल रही है, दिख रहा है तुम लोगों को, कोयले वाली ट्रेन इलेक्ट्रिक नहीं है, तो गंगा मैया के नाम पे। कहीं गुड़ की फैक्ट्री है या पेपर की फैक्ट्री है, अजीब सी स्मेल आ रही है, आई थिंक पेपर की फैक्ट्री की स्मेल है ये। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग, दिक्कत है ना काफी। सही है ना एकदम मस्त, क्या सही व्यू आ रहा है पूरा। तो इस जगह का मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ये जगह ने बहुत बड़ी तरक्की करी है। यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो ना हो, बीकानेर से लेके डोमिनोज, कैफे कैफे डे, हल्दीराम, सब कुछ, मैकडॉनल्ड। ट्रक वाले भैया निकलने रहे, मैं निकलने रहे। लो जी एक नया टोल मुरादाबाद से पहले पहले। भाई ये ट्रक वालों की भी हिम्मत है यार, बड़ा लंबा चलते हैं यार, चलते ही रहते हैं, हिम्मत है भाई इन लोगों की। सबसे बढ़िया हाईवे में ना ये होने चाहिए, जो बैरियर लगे हुए हैं ना ये पूरे, ये पूरे हाईवे में अधिकतर जगह हो, बिकॉज इससे क्या है ना कोई जानवर नहीं आता हाईवे पे और फालतू कटिंग नहीं होती गाड़ियों की। तो ये यहाँ की लोकल बस है, देखो लोकल चलती होगी, फुल एकदम भर के चल रही है। फाइनली आ गए मुरादाबाद। तो ये है मुरादाबाद का ट्रेडिशन होटल है आई थॉट। हम जा रहे बाईपास से, क्या कर रहा है यार, रोड पे पिकनिक मनाएगा क्या? अरे तुम हाईवे क्रॉस कर रहे हो, जल्दी से कर लो यार, हद ही है, तुम्हारी जान खतरे में, हमारी जान खतरे में। भाई ये जाम किस चीज का है, रामपुर से पहले हूँ मैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना जाम। कुछ आगे एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया ऐसा लगता है। चलो बाइक होने का ये फायदा तो होता है कि आप साइड से निकल लो, बट जाम अगर इतना खतरनाक हो ना, ओए होए बुलेट वाले भैया धूल उड़ाते हुए निकल रहे हो क्या? आगे तक जाम दिख रहा है भाई, किस बात का जाम लगा है ये समझ नहीं आ रहा। भाई चले आता हूँ मैं आगे, भाई जाने दे यार हमें, भाई जाम तो बहुत दूर तक है भाई, पुलिस भी लगी है, क्या चक्कर है। टोल आ गया अब हमारा आगे, अरे तेरी टोल ने हम अपनी हायाबूसा का वजन इस धर्म कांटे पे, तो ये ट्रक का हो रहा है वजन। तो मैं बाइक चला रहा था, मैंने थोड़ा सा वाइजर खोला ना तो मेरी आंखों में थोड़ा सा कुछ घुस गया, तो थोड़ा मैं थोड़ा रुक जाऊँ, पता नहीं क्या छोटी भी चीज़ इतनी तेज लगती है ना आंखों में, क्या बताऊँ आपको। थोड़ा सा पानी पीते फिर चलते आगे, ऐसे गोली की तरह टायरों की आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। अरे बड़े लंबे लंबे चलते हो क्या? तभी मंजन खाना सब गाड़ी पे ही, नहीं तो खुद बनाते भी हो? हाँ। तो लंबा सफर चलते हो भाई, भाई। मेहनत है। तो ये कौन सा मंजन है? गुल मंजन है। ये सही होता है, पहले यही चलता था, अब तो डिजाइनिश चलता है, स्टाइलिश। बढ़िया भाई, ख्याल रखो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक टाइम लैप्स। ये देखो चाचा स्कूल का बस्ता लेके खड़े हुए, इनका बस्ता खे तू चाचा दे दे। तो आगे डिस्प्ले हो रहा है नैनीताल 112 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, 6 किलोमीटर रामपुर, मतलब रामपुर बस टर्न लेते ही आ जाता है यहाँ पे। अरे भैया इसे कहते हैं 16 टायर का ट्रक, क्या कहते हैं 16 टायर, आवाज़ देखो टायर होगी सुपर बाइक की भी क्या आएगी। तो लो जी वी आर इन रामपुर राइट नाउ, एक टाइम पे समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी सीट हुआ करती थी, आजम खान नेता हुआ करते थे, काफी अच्छी जगह है, शांत, कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ी सी प्यास लगने लगी, गर्मी बहुत हो गई है ना यार। अब तो बढ़िया लाइट वाइट लगा दी है रामपुर में भी, ऊपर की तरफ हुआ काम तो हो रहा है बढ़िया, आवाज सही आ रही है, अगर आवाज सही आ रही है तो मस्त वीडियो बनेगी। चलो भैया आ गया ये टोल बूट, एक रैप खेचे, बहुत देर हो गई नहीं खेचा, आवाज मजेदार लगी, डरा दिया, डर गए। रुद्रपुर दिखा रहा है 17 किलोमीटर, सही दिख रहा है ना एकदम मस्त। ये जा रहा है स्प्लेंडर,
वीर जी जा रहे हैं इसमें। वीर जी स्प्लेंडर को राइड कर रहे हैं। वीर जी बहुत इकोनॉमिकल बाइक है ये, इसमें थोड़ा पेट्रोल डालो और पूरा मतलब गेड़ी मारो मस्त। रुद्रपुर के हैं वीर जी, क्योंकि रुद्रपुर पे अधिकतर पंजाबी लोग भी है। मस्त एकदम। ओ भाई पूरी की पूरी गोभी, गोभी की गोभी खुद गई भाई, सब्जी जा रही थी। थोड़ा टायर का जैक ही वही टूट गया मेरे ख्याल से, टायर ही टूट गया। तो लो जी आ गए ये रुद्रपुर, एंटर कर चुके हैं हम रुद्रपुर पे। रुद्रपुर का रेजेंसी होटल, स्मार्ट बाजार, क्या है स्मार्ट बाजार, हाँ तो सामने बोर्ड लगा है पंत नगर के लिए इधर जाए, हल्द्वानी के लिए इधर, गदरपुर बरेली के लिए भी आई थिंक ऐसे ही जाते, तो हम जाएंगे हल्द्वानी नैनीताल के इस तरफ से। फाटक लगा होगा और निकल गई ट्रेन, वो देखो कितनी तेज निकल रही हो। सीधे जब ट्रेन निकली वैसे ही हम आ गए, अब खुल जाएगा हमारे लिए फाटक। ओए होए होए। तो ये लो जी शहर के शोर शराबे से दूर पहुंच गए जन्नत पे। जन्नत का रास्ता शुरू होता है यहाँ से, देखो हरियाली एकदम, पेड़ वेड़ एकदम मस्त, हवा नेचुरल खुशबू। तो गाइस मैं रुक गया था इस बीच जंगल में, थोड़ा सा पसीना आ रहा था, मैंने कहा यार इधर नेचर के भी व्यू ले लूं। तो देख लो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बीच में हम, तो इसको कहते हैं टाड़ा जंगल। टाड़ा जंगल बड़ा ही खतरनाक है अभी। ओए होए होए देखो 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 देखो, 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 देखो। ओ भाई भाई कैसे चलाते हैं ये, देख रहे हो तुम? बच गए बच गए, इनका भरोसा नहीं है बस वालों का कोई। हाँ भरोसा नहीं है इनका, ये उड़ा के चले जाते हैं पता ही, इनको फिक्र ही नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर है हल्द्वानी और बस यहीं पर ही है मेरे दोस्त का घर। अब मैं जाऊंगा उसके पास, पहले उससे काम है, उसका काम करेंगे। तो ऑलराइट गाइस मैं आ चुका था अपने घर पे, और ये देखो पीछे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर है नैनीताल। तो मतलब देख रहे हो आप क्या मस्त सीन आ रहा है इधर का ना, जो एनवायरनमेंट है बहुत ही मस्त है, मतलब बहुत फ्रेशनेस है, बहुत एनर्जी है एनवायरनमेंट पे। और भाई आप जो लाइक और कमेंट करते हो ना उसमें भी बहुत एनर्जी है, तो इसी तरह से सपोर्ट करना यार भाई, बड़ा मतलब अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो। तो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन तक मैं इधर हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद चला जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, थोड़ा बहुत काम है उसको भी देखना पड़ता है। तो प्लीज़ गाइस इसी तरह से सपोर्ट करना, मैं मिलूँगा आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।